असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आल होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड इन गुड मूड टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर टूवेल्व ऑफ ई वी एस बुक फॉर क्लास फोर्थ एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज़ फूड एंड फन एनी थिंग दैट पीपल इट कैन भी कॉल्ड फूड बट इट मेक्स मोर सेंस टू टॉक ऑफ इट एज बी ओनली दोज प्रोडक्ट्स पीपल इन्जॉय ईटिंग वी गेट अवर फूड फ्राम प्लान्ट एंड एनिमल्स तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि हम जो भी या लोग जो भी चीज़ें खाते हैं उसको हम फूड बोल सकते हैं गुज़ा बोल सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर हम बोलेंगे कि जिसको मतलब लोग वो जो चीज़ें इंजॉय करते हैं वो खाना है जैसे कोई ऐसी चीज़ हो गई वो खाने की हो गई लेकिन उसे खाने लोग इन्जॉय नहीं करते तो देट नॉट वी गेट आवर फूड फ्राम और हम अपना गुजा प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं वट डू वी नीड फूड हमें फूड क्यों चाहिए अवर बॉडी इज कंटिन्यूसली वर्किंग वी नीड एनर्जी टू वर्क फूड गिवज अस एनर्जी गुड फूड मीज ग गुड हेल्थ राइट काइंड ऑफ़ फूड इम्प्रूज दल्थ ऑफ ए पर्सन द मैन यूज ऑफ फूड आट इट गिवज अस एनर्जी टू वर्क इट मेक्स अस स्ट्रांग इट बिल्डस युर बाडी इट मेक्स अस ग्रो इट रिपीट द बॉडी पार्ट्स इट हेल्प्स टू फाइट एगेस्ट डिजीज एंड वी इन्जॉय गुड हेल्थ तो हमें गुज़ा क्यों चाहिए ठीक है बच्चों सबसे पहले हमें कंटिन्यूसली हम काम करने के लिए गुज़ा चाहिए हमें एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमें गुजा चाहिए गुड फूड मीन्स गुड हेल्थ और अच्छा खाना जो है उसकी वजह से हमें अच्छी हेल्थ मिलती है अगर हम राइट काइंड ऑफ फूड खाएंगे तो हमारी हालत राइट रहेगी ठीक रहेगी तो मेन यूज़ फूड का क्या क्या है ये है कि एक तो ये हमें एनर्जी देता है जैसे हम दिन भर खाते जैसे हम दिन भर काम करते हैं तो हमें खाना भी चाहिए टाइम टाइम पे हम पढ़ते हैं हम दौड़ते हैं हम खेलते कूदते हैं इट मेक्स अस स्ट्रांग और ये हमें ओवरऑल स्ट्रेंग देता है स्ट्रॉन्ग बना इट बिल्ड्स ओवर बॉडी हमारी बॉडी को बिल्ड करता है हमें इट मेक्स अस ग्रो खाना जो है हमें ग्रो करने में हेल्प करता है जैसे छोटा बच्चा होता है वो फिर बड़ा हो जाता है उससे बड़ा हो जाता है तो उसको अच्छी और यू नो न्यूट्रिश फूड बैलेंस डाइट खाना चाहिए इट रिपेयर द बॉडी पार्टस और कभी कभी हमें कुछ ब्रोजेज आते हैं कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं बॉडी में तो ये रिपेयर करता है बॉडी को गुड फूड क्योंकि इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीनस फैट्स वाइटामिन न्यूट्रेंट्स इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड वी एन्जॉय गुड हेल्थ और ये डिजीज़ के अगेंस्ट भी एक्शन करता है और हमें मतलब अच्छी सेहत बनाने में हेल्प करता है एंड वही और हम अच्छा सेहत जो है इंजॉय करते हैं क्योंकि किसी चीज़ कुछ चीज़ में होती है एंटी ऑक्सीडेंट तो वो अब डिजीज़ के साथ लड़ते हैं अब है एक्सरसाइज व्हाट इज़ फूड एंड टाइप्स ऑफ फूड ये हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में थैंक यू